जय श्री कृष्ण। बहुत बहुत स्वागत है आपका शानू किचन मास्टर में। आज हम बनाएंगे ठंडाई फिरनी। ये जितनी खाने में स्वादिष्ट लगती है उतनी ही ये बनाने में बहुत आसान है, और ये सावे के चावल से बनती है। तो शुरू करते हैं, ठंडाई का मसाला बना लेते हैं हम। इसके लिए हमने खसखस ली है, बादाम, खरबूजे के बीज, काजू, पिस्ता, काली मिर्च, इलायची और गुलाब की पत्तियां ली है। इन सभी का हम मिक्सर में पीसकर बारीक पाउडर बना लेते हैं। इस तरह से हमारा ये ठंडे का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है। हमने सावे के चावल लिए हैं, इनको हमने पानी से धोकर सूखा लिया है। आप चाय के कप से नापकर इस सावे के चावल को ले सकते हैं। अब इस सावे के चावल को हम मिक्सर जार में पीस लेते हैं और इसको हम दरदरा पीस लेते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे सावे के चावल पीस चुके हैं, बिल्कुल बारीक नहीं पीसे हैं ये। अब हम 1 लीटर दूध ले लेते हैं। हमने ये मलाई वाला दूध लिया है। हमारा दूध पहले से ही गर्म है और हमने गाढ़ा मलाई वाला दूध लिया है। दूध को हम अच्छी तरह से उबाल लेते हैं। बीच बीच में हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके ना। काफ़ी जल्दी बन जाती है, इसको बनाने में वक्त पीने लगता है। इसको हिलाते रहेंगे। इस तरह से हमारे दूध का देखिए उबाल आ चुका है। अब इस दूध के अंदर हमने जो चावल पीस रखे थे वो हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसको हम हिलाते रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं ताकि नीचे चिपके ना। हमें इसे इतनी उबालनी है कि ये गाढ़ी हो जाए। इस तरह से देखिए हमारी ये फिरनी अच्छी तरह से गाढ़ी हो चुकी है। अब इसके अंदर डाल देते हैं हम 1 कटोरी शक्कर। शक्कर डालने के बाद में हम इसका 1 उबाला और ले लेते हैं, क्योंकि शक्कर पानी छोड़ती है, तो इससे हमारी ये फिरनी पतली हो गई है। इसका हम और उबाल ले लेते हैं, 1-2 उबाला और ले लेते हैं हम इसका। और हमारी ये फिरनी बनकर तैयार हो चुकी है। इसके अंदर डाल देते हैं हम 1 चम्मच इलायची पाउडर और इसको हम अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देते हैं इसके अंदर। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं शानू किचन मास्टर से। हमने जो ठंडाई का मसाला तैयार किया था, ये 4 चम्मच हमने ठंडाई का मसाला डाला है इसके अंदर। ठंडाई के मसाले को आप बनाकर रख सकते हैं। आप घी, ठंडे वगैरह कुछ भी बनाए तो उसके अंदर ये मसाला आप काम में ले सकते हैं। हमारी फिरनी बनकर कंप्लीट तैयार हो चुकी है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। मैंने कांच के गिलास लिए हैं, इनमें हम इस फिरनी को डाल देते हैं। अब इसको हम सजा लेते हैं। अब थोड़ा सा हम इनके ऊपर काजू, बादाम और पिस्ता डाल देते हैं, थोड़ा थोड़ा सा इसके ऊपर, और कुछ गुलाब की पत्तियां डाल देते हैं इसके ऊपर, और केसर के धागे। हमारी फिरनी बनकर तैयार है। 4 से 5 घंटे के लिए हम फिरनी को फ्रिज में रख देते हैं और हमारी ये ठंडाई फिरनी बनकर बिल्कुल कम्प्लीट तैयार है। तो आप इस तरह से फिरनी बनाकर ज़रूर देखिएगा, काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी लेकर। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।